ओके, इस वीडियो में 10 वैसे फ़ोन बताऊंगा जो ये गेस करके या ये मान के बता रहा हूँ कि आप अमेजोन पे ज़्यादा शॉपिंग करते हो या आपके पास HDFC कार्ड है, तो इन इन फोन्स पे अच्छे डिस्काउंट्स लग के आपको बेस्ट डील्स ये मिल रही है। पर्सनली अगर मेरे पास वो कार्ड होता, मतलब ये मेरे पर्सनल एडिशन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाली वीडियो सुबह में डाल दिया था। अमेजोन पर कम शॉपिंग करता हूँ तो इसमें थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ढूंढना पड़ा डील्स। अलग ब्रांड से शुरू करते हैं। सबसे पहले आईफोन की डील है, आईफोन 11 3899, कार डिस्काउंट्स लगा के 35,000 का पड़ेगा, ठीक है। तो 35,000 में मुझे नहीं लगता कि कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा, बहुत अच्छा डील है स्टार्ट करने के लिए। आईफोन 12 का प्राइस सबको पता है कि वो 50,000 और फिर कम होकर 45 तक आ जाएगा। इसमें 5G नहीं है, लेकिन 5G इंडिया में भी नहीं है। हाँ, आईफोन की लाइफ थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू भी होती है, तो जब 5G आ जाएगा तो आप रीसेल कर देना, किसी ना किसी को तो 5G की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और वो सस्ते और अच्छे प्राइस में वेल मेंटेन्ड फ़ोन आईफोन ले लेगा। इसके बाद एक डील जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, और ये बहुत अजीब है क्योंकि 30,000 में iPhone XR मिल रहा है और सारे 25,000 में iPhone SE वाली डील बता रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा। देखो, ऐसा है, iPhone SE और iPhone XR में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ज़मीन आसमान जिसको बोलते हैं। और ये वैसा ही डिफरेंस है, मिनी एडिशन में और नॉर्मल वेरिएंट में फ़र्क होता है। मिनी में ना बैटरी अच्छी होती है ना ये सब। मैं iPhone 13 मिनी की बात नहीं कर रहा, उससे पहले वाले की बात कर रहा हूँ। 12 मिनी का एकदम बेकार रिस्पॉन्स रहा था। वैसे ही iPhone SE और अगर 10R में सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है, तो iPhone SE कोई क्यों लेना चाहता है मेरी समझ के बाहर। अगर आपको एप्पल ही ट्राई करना है तो फुल स्क्रीन वाली करो ना, इतने मोटे मोटे बेजल और इतनी बेकार बैटरी, छोटी स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ करके क्या फ़ायदा, ठीक है। और Realme GT की जो वीडियो आई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और उसके ऊपर रात में एक क्विक टेस्टिंग, मतलब जो हल्का सा मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और जो भी क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, 30-35 कमेंट्स हो गए, तो उसका भी कुछ रिप्लाई आ जाएगा। अब देखो, सैमसंग में मैं नोट को रिकमेंड करता हूँ, फोल्ड को नहीं, क्योंकि देखो फोल्ड अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप 1 लाख रुपए सच में फ़ोन पे खर्च करना चाहते हो तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं ना, वो तो 1 लाख रुपए अगर आप फ़ोन पे खर्च करना चाहते हो, फोल्ड एकदम अलग ही है। मैं ये जनरल फोन्स रिकमेंड कर रहा हूँ और ये 100% रिकमेंडेड है। 6999 MRP और उसके बाद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स कार्ड्स पे। एक तो इसका कलर, दूसरा इसका एस पेन, तीसरा इसका कैमरा, चौथा इसके फीचर्स, पांचवा सैमसंग UI। इसमें बहुत अच्छा सिंक होता है नोट सीरीज में। सिर्फ एक कमी है इसकी, वो है इसका प्रोसेसर। अगर स्नैपड्रैगन वेरिएंट होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। ये एक्सिनोस वेरिएंट है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन ये फ़ोन उसके बाद मिड रेंज में गैलेक्सी S20 FE 5G, ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट है सैमसंग का, और ये है फ्लैगशिप किलर इस प्राइस पे, ठीक है। अगर कोई भी और कोई फ़ोन आपको सजेस्ट कर रहा है और आपके पास 33,000 रुपीज़ हैं, 33 से 36, जो भी मान लो, आपके पास कार्ड नहीं है तो 36, तो मैं बोलूँगा कि उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो और ये वाला फ़ोन लो। आप एकदम भी खुश हो गए इस फ़ोन से, ठीक है। सैमसंग का कैमरा अलग ही लेवल का होता है और इसको वही मार्केट कैप्चर करने के लिए बनाया गया है जो Note 20 Ultra की प्राइजिंग के कारण क्रिएट हो गया था, क्योंकि उसकी प्राइजिंग बहुत हाई चली गई। तो उसकी और जो बाकी इनके ए सीरीज़ के प्राइजिंग के बीच में काफ़ी गैप था, इसलिए ये फ़ोन आया है और इसलिए एकदम किलर डील, ठीक है। इंडिया में ही नहीं, हर जगह इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक 5G बजट फ़ोन की बात कर लेते हैं सैमसंग से। सैमसंग के बहुत लोग होते हैं बस सैमसंग लेना चाहते हैं, तो अगर
आपको बजट में 5G चाहिए, बजट मतलब देखो अब 10,000 में तो सैमसंग 5G नहीं देगा अभी, तो 15,000 में अगर आपको 5G चाहिए, देख लो इस पे 1,000 तो ऐसे ही डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो भी आपको ये 15,999 का पड़ेगा, ठीक है। और अगर कार्ड है तो आपको ये 15,000 से कम भी पड़ सकता है, ठीक है, जो भी 10% डिस्काउंट लगा के प्राइस होती है। अब देखो इसमें ना फुल HD स्क्रीन है, ना एमोलेड स्क्रीन है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रैम रोम बहुत अच्छा है, प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर है, जो इस रेंज में आ रहे हैं 14-15 हज़ार में जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं सारे में डायमेंसिटी 700 है, इसमें डायमेंसिटी 720 है, ठीक है। नार्जो 30 प्रो 5G फ्लिपकार्ट पे है 800U के साथ, और 8S 5G रियलमी 8S 5G है 810 के साथ। उसके अलावा और कोई भी अच्छा प्रोसेसर आपको ब्रांडेड मतलब 5G में बजट में नहीं मिलेगा 14,000 रुपये में, ठीक है। लेकिन और डील्स देखो, ये बस सैमसंग वालों के लिए है, अगर सैमसंग वाले नहीं हो तो और डील देखो, बहुत अच्छे अच्छे डील्स हैं। अब वन प्लस की बात कर लेते हैं, देखो ये वन प्लस 9 की डील इसलिए है और वन प्लस 9R की डील इसलिए नहीं है, 9R सेम प्राइस में है S20 FE के, और S20 FE मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ 9R से ज़्यादा। अगर आपको फिर भी 9R लेना है तो भी ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि सेम ब्रांड का वन प्लस 9 5G ये जो मॉडल है इस पे स्पेशल HDFC का डिस्काउंट है एक्स्ट्रा 7,000, अगर आप देख पा रहे हो ऊपर वहाँ पे, तो इसका मतलब कि ये इस फ़ोन की प्राइस में और वन प्लस 9R की प्राइस में 4,000 का भी डिफरेंस नहीं रह जाता, ठीक है। तो अगर आप बजट को 35-36 रखे हुए हो तो आप उसको 40 तक एक्सटेंड करो और ये वाला फ़ोन लो, और अगर कोई पुराना फ़ोन एक्सचेंज होता है तो उस पर एक्स्ट्रा 3,000 है, तो ये इसलिए बेटर डील है 9R से, और 9R तक का ही बजट है तो ऐसे भी S20 FE 5G वहाँ पे है। और अगर और बजट में चाहिए वन प्लस का ही एक्सपीरियंस तो नॉर्ड है आपके पास, नॉर्ड 2, ठीक है, नॉर्ड सी से बेटर है ये फ़ोन लुक्स में, फील में, सब कुछ में, ठीक है। हाँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेके, तो आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वन प्लस ही सब कुछ ऐसा तो है नहीं, अब तो उसकी UI भी मिक्सचर हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक ये डील देख लो, इस पे डिस्काउंट्स लगा के ये 16,000 का भी नहीं रह जाता फ़ोन, तो 16,000 में आपको 5G प्रोसेसर 768G, ठीक है, और 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 120Hz की डिस्प्ले, एमोलेड नहीं है लेकिन 120Hz है, 55W की फ्लैश चार्ज। सब बोल रहे थे कि 20,000 मतलब जब ये लॉन्च हुआ था कि 20,000 में एमोलेड नहीं दिया, तो अब तो इसी प्राइस 16,000 है, तो 16,000 में अगर आपको ये सब फीचर्स मिल रहे हैं तो आप एमोलेड के साथ अगर करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, और भी बेटर डील्स हैं तो और देखो, इस वीडियो को ऐसे भी ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। Mi 11X 5G, इस फ़ोन को भी रिकमेंड करने का एक सेम रीज़न है जो वन प्लस 9 को करने का था, कि वो टॉप में देखो वहाँ पे इसमें फ्लैट 7,000 ऑफ है, मतलब ये सारे स्पेशल डिस्काउंट्स पे फ़ोन है, तो देखो अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो इस फ़ोन पे अगर वो लगाओगे तो आपको स्नैपड्रैगन 870 सिर्फ 19,999 का पड़ेगा, ठीक है, तो सोच के देखो एक बार, इसलिए ये फ़ोन लिस्ट में है, और स्नैपड्रैगन 870 19,999 में, और पता नहीं और आप लोग क्या चाहते हो, और E4 AMOLED वगैरह और भी सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस को देख के बोल रहा हूँ और प्रोसेसर को देख के, बाकी भी इसके जो भी फीचर्स हैं, जो भी रिव्यू आए, ग्लास बैक है देख लो गोरिल्ला ग्लास 5 पे, और डॉल्बी एटमॉस डुअल स्पीकर्स वगैरह सब कुछ, 7.8mm स्लिम, तो वो भी बात है, ठीक है। अब आते हैं एकदम ही बजट पे, और ये एकदम मिस नहीं करना,
एक ऐसी बजट डील है जो पहले नहीं आई थी, ये सबको पता है, ये किंग है, ये इस पे ऑफ लग के ये 14999 का रह जाता है, 15000 में। ये बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत अच्छा, मतलब एक तो बहुत स्टेबल प्रोसेसर है, दूसरा बहुत अच्छी बिल्ड है, ग्लास बैक है, बहुत अच्छी एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब कमाल की एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड सैमसंग वाली। और अगर बस 5G नहीं चाहिए आपको, 15000 रुपये हैं, तो ये फ़ोन लो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। MIUI की प्रॉब्लम्स हैं, नहीं चाहिए तो दूसरा फ़ोन ट्राई करो, है ना, कमी नहीं है फ़ोन्स की, ये बस Amazon पे के ये अच्छे डील्स हैं। अब ये लास्ट में बजट फ़ोन एकदम मिस नहीं करना, ये देखो नार्ज़ो 50A पे अभी ये डील रिलीज़ हुई है थोड़े देर पहले, पहले बस वो बता रहे थे कि हाँ अंडर इतना अंडर उतना, लेकिन अब अगर आप कूपन और 10% HDFC डिस्काउंट लगा के इसको लोगे तो ये फ़ोन आपको 10000 का मिलेगा, समझ पा रहे हो, 10000 में नार्ज़ो 50A किलर डील है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 4GB रैम, स्टोरेज जो भी है, ये किलर डील है 10000 रुपीज़ में। और G85 है ना, हीलियो G85 सही प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है कि आपको कमी हो जाएगी 10000 में। और मैंने फ्लिपकार्ट पे क्या ही रिकमेंड किया था, पोको M3 था शायद, और इन नोट 1, तो इन नोट 1 में भी G85 है और पोको M3 में स्नैपड्रैगन 662 है, उसको तो वीगन लेदर की वजह से किया था, जो वीगन लेदर फिनिश GT मास्टर एडिशन में भी है उसके कारण। और एक लास्ट डील ये देख लो, अगर आपके पास 7000 रुपये से कम हैं, तो मैंने फ्लिपकार्ट पे रिकमेंड किया था कौन सा फ़ोन, वो जाके देख लेना, शायद रेडमी 9i या कुछ, ये देख लो नार्ज़ो 50i, ये आपको 7000 से भी कम में मिलेगा। और इसका अगर आप हायर वेरिएंट लेते हो तो वो देख लेते हैं कितने का मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको 8000 से भी कम मिलेगा, तो 8000 से कम 464, और मतलब क्या ही कमी है इसमें, सिक्स पॉइंट फाइव इंच की डिस्प्ले है, 5000mAh बैटरी है, फुल HD स्क्रीन नहीं है, लेकिन फुल HD स्क्रीन तो रेडमी 9i में भी नहीं था 8000 के अंदर, और टाइप सी केबल है कम से कम, रेडमी 9i में नहीं था, ठीक है, एंड्रॉयड 11 बेस्ड रियलमी UI 2.0 है, एक चीज सिर्फ ऑक्टा कोर प्रोसेसर लिखा है तो जरूर यूनिसॉक वाला ही वो होगा जो फेमस प्रोसेसर है आजकल, ठीक है, तो चलो बाय, बहुत लंबी हो गई वीडियो, GT मास्टर एडिशन का आएगा FAQ और क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं तो उसके लिए देख सकते हो, बाय।